आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वही सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज एडिलेड ओवल में भारतीय समय अनुसार 7:50 AM बजे से खेला जा रहा है। पहला वनडे हारने के बाद टीम इंडिया ने सबक लेते हुए दूसरे वनडे के लिए पूर्व तैयारी कर ली है। वही दूसरे वनडे में भारतीय टीम में बदलाव देखे जा सकते हैं। हालांकि कप्तान कोहली यदि बदलाव करना चाहेंगे तो कार्तिक की जगह केदार को अंतिम 11 में शामिल कर सकते हैं, जिससे छठे गेंदबाज की समस्या भी ना रहे। इन 4 बड़ी वजह से दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया का भारत से हारना लगभग तय है। पहला वनडे हारने के बाद विराट कोहली दूसरे वनडे के लिए उचित अंतिम 11 चुनेंगे, जिससे छठे गेंदबाज की समस्या ना रहे। दूसरा, अक्सर भारतीय टीम किसी भी सीरीज के पहले मैच में जरूर गलतियां करती है, लेकिन पहला वनडे हारने के बाद सबक लेते हुए दूसरे वनडे में अपनी रणनीति को पहले से ही तैयार रखती है। तीसरा, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जल्दबाजी न दिखाते हुए परिस्थिति को देखते हुए बल्लेबाजी में सुधार करने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फेल होने पर अधिकतर मैच भारत हार ही जाता है। दूसरे वनडे में यह गलती पर टीम इंडिया पूरी तरह से सुधार करेगी। चौथा, हालांकि पहले वनडे में धोनी ने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी की, जिससे रोहित पर काफ़ी दबाव आ गया। दूसरे वनडे में धोनी इस बात को जानते हुए अपनी स्ट्राइक रेट सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत आज का मुकाबला जीत पाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।